हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो मैंने पहले आपको बताया था कि ओपीएससी पीजीटी जूलॉजी और बॉटनी का हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ी देरी हुई मानते हैं। आज हम ओपीएससी पीजीटी जूलॉजी का 2021 में जो एग्जाम हुआ था 2021 में, तो उसी को देखेंगे। उसके बाद बॉटनी में देखेंगे। थोड़ी टैक्सोनॉमी में वीक हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया या फिजियोलॉजी हो गया दूसरी चीज़ में बॉटनी में देखेंगे। एग्रोबैक्टीरियम से भी क्वेश्चन आता है, तो आज हम जूलॉजी का देख रहे हैं, जूलॉजी का 2021 का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे, और नेक्स्ट में जो पार्ट बच जाएगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव द नेफ्रिडिया इन एस्केलेटरी स्ट्रक्चर। नेफ्रिडिया किसमें पाया जाता है? एनिमल्स में। सिंपल सी बात है। व्हिच लार्वा फॉर्म हैज एपिकल टूट ऑफ सिलिया, क्या किसका रहता है? बाइपेनेरिया ऑफिसरे एकाइनोपेटस। तो ये डोलियोलारिया ये रहता है, ये होलोथुरिया में पाया जाता है, एकाइनोडर्माटा में। किसमें? होलोथुरिया, होलोथुरिया और एकाइनोडर्माटा में ये पाया जाता है, इसमें एपिकल टूट ऑफ सिलिया रहता है। चलो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, और ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन। द एकाइनोडर्माटा आर रिलेटेड टू कोडेस बाई दियर सिमिलरिटी इन डेवलपमेंट इन एकाइनोडर्माटा। किसके थ्रू रहता है? गुट के थ्रू, समान रहता है ना। ये क्या रहता है? ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, जिसका पहले जो ये रहता है ब्लास्टोपर किसमें डेवलप होता है? एनोस में डेवलप होता है, गुट में रहता है। तो हम जानते हैं ड्यूटेरोस्टोम, और इसके बारे में हम जानते हैं। इंग्लिश में क्यों, मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ? ताकि बच्चे दूसरे जो स्टेट के, या कोई भी जानना चाहता है क्वेश्चन कैसा रहता है तो जान पाए इसीलिए। ओके, फूट ऑफ लैमिनेट्स यूज फॉर, फूट ऑफ लैमिनेट पर क्या होता है? वॉकिंग के लिए यूज होता है। फूट ऑफ लैमिनेट किसके लिए होता है? कि वॉकिंग के लिए यूज होता है। ओके, हॉर्स क्रॉप इंक्लूड अंडर द सब क्लास। तो सिर्फ सब क्लास किसके अंदर रहता है? क्या? जाइपोसिमुरा। तो सब क्लास इसका रहता है जाइपोसिमुरा। ये क्लासिफिकेशन याद रखना थोड़ी दिक्कत है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस में भी हॉर्स क्रॉप दिया हुआ है, और लिम्यूल टेस्ट के बारे में मैंने बताया था, हॉर्स क्रॉप के बारे में आपको पढ़ना है। ओके, आर्कियोसाइट्स माइग्रेट आउट थ्रू द डेस्ट टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द स्पॉन्ज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आर्कियोसाइट क्या बनाता है? हम जानते हैं गेम्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है? गेम्यूल्स बनाता है। और आर्कियोसाइट रहता है कि ये एमोइबोइड्स टाइप का सेल रहता है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में भी ले सकता है आर्कियोसाइट। हम इसके बारे में, तो स्पॉन्जेस में इसके बारे में डिटेल में थोड़ी पढ़ना है। दिस डज नॉट बिलोंग टू द फाइलम सिनोडेरिया। सिनोडेरिया को अदरवाइज क्या होता है? कॉलेंट्रेट्स भी बोलते हैं ना। हाँ, डज नॉट फाइलम। तो हम जानते हैं सीफ इधर भी उसमें आ जाता है, सीपेन सीफेन भी आ जाता है, लेकिन सी कुकुम्बर नहीं आता उसमें। कौन नहीं आता? सी कुकुम्बर नहीं आता। सी कुकुम्बर किस में आता है? एकाइनोडर्माटा में आता है, होलोथुरिया में आ जाता है सी कुकुम्बर। तो ये उसके अंदर नहीं आता, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ओके, मेड्यूसा फॉर्म बाई द, मेड्यूसा हम जानते हैं पॉलिप क्या देता है? मेड्यूसा देता है, एसेक्सुअली देता है, और मेड्यूसा सेक्सुअली पॉलिप देता है। लेकिन मेड्यूसा फॉर्म बाई द हम जानते हैं एसेक्सुअली तो होगा, दो जगह पर एसेक्सुअली है, सेक्सुअली तो कभी नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है गैस्ट्रोजोइट्स, ये पूरा 100% में कन्फर्म नहीं हो, फिर भी गैस्ट्रोजोइट्स तो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, नाइन नंबर में देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजियन कोज अफ्रीकन स्लीपिंग सिंड्रोम। अफ्रीकन स्लीपिंग सिंड्रोम कौन होता है? ट्रिपानोसोमा गंबोसिस हम जानते हैं, और प्लाज्मोडियम फाइबक जानते हैं मलेरिया करवाता है, तो करवाता है। और ये क्या होता है? पायरिया, डेंटल में डेंटल पायरिया करवाता है। जनरली नॉन पैथोजेनिक रहता है एंटावाइमा गिनियरवलिस, लेकिन दांत में कभी कभी पायरिया भी करवाती है। ओके, स्काइजन स्टेर ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन ह्यूमन। स्काइजन क्या है? इसमें पाया जाता है ह्यूमन में कि दोनों जगह पर, क्योंकि ये एसेक्सुअल एरिथ्रोसाइटिक पेज भी, एरिथ्रोसाइट मतलब लीवर में भी पाया जाता है हेपेटोसाइट, और एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में भी पाया जाता है। ओके, इन ब्रांचियोस्टोम नोटोकोड प्रेजेंट इन द, तो ब्रांचियोस्टोम में नोटोकोड कब तक होता है? ब्रांचियोस्टोम में थ्रू आउट द बॉडी। ब्रांचियोस्टोम में एम्फियोसाइट हम देखते हैं कि क्या रहता है? थ्रू आउट द बॉडी क्या रहता है? नोटोकोड रहता है। द मेंबर ऑफ द क्लास मिक्सिन, मिक्सिन का मेंबर कौन रहता है? हैगफिश हम जानते हैं, ये हैगफिश मेंबर ऑफ द क्लास मिक्सिन रहता है। हम जानते हैं साइक्लोस्टोम को अगर देखोगे, साइक्लोस्टोम
हम जो क्लास पढ़े हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्या है, लाम्प्रे, जिसमें पेट्रोमाइजिन आ जाता है, और दूसरा होता है मिक्सिन, जिसमें हैगफिश आ जाता है। तो लाम्प्रे और हैगफिश रहता है जिसमें मिक्सिन आ जाता है, ये है क्या रहता है, हैगफिश रहता है। तो ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरोटिक आर्च फॉर्म द पल्मोनरी आर्टरी इन लंग्स इन फिश। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरेक्टिव पल्मोनरी लंग्स फिश को डिप्नोई भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेड ये क्या रहेगा, वी आई हो जाएगा, कि क्योंकि ये जो थ्री आई होता है, जनरली जो देखोगे रेप्टाइल बर्ड्स मामल में तीनों आर्चेस ही बस फंक्शनल रहता है, वो रहता है थ्री आई और आई बी और क्या रहता है वी आई। और थ्री आई कौन सा रहता है, कैरोटॉइड आर्टरी, कैरोटॉइड आर्टरी, और आई भी देता है सिस्टमेटिक आर्चेस, आई भी सिस्टमेटिक आर्चेस, सिस्टोमेटिक आर्चेस, और जो बी आई होता है पल्मोनरी ट्रंक देता है, बी आई जो होता है पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। तो यही याद रखना है, रेप्टाइल से लेकर आगे तक यही तीनों ही फंक्शनल रहते हैं। एक्चुअली छह पेयर रहता है, लेकिन बहुत सारी जगह पर ये पेयर क्या होता है, किस में चार किस में पांच ऐसा रहता है। तो ये होता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन आई भी हो जाएगा। स्नेक वेनम प्रोड्यूस बाय द मॉडिफाइड, हम जानते हैं स्नेक वेनम किसके द्वारा प्रोड्यूस द्वारा किसके द्वारा होता है, सेलिवरी ग्लैंड होता है ना। सेलिवरी ग्लैंड में जो क्या कौन से ग्लैंड भी जनरल रहता है, पैराटॉइड ग्लैंड, पारा टॉइड ग्लैंड किसके रहता है, पैराटॉइड ग्लैंड रहता है। फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड अटैच टू द, हम जानते हैं फ्लाइट मसल किस में अटैच होता है, फ्लाइट मसल स्टर्नम, स्टर्नम में जो बोला जाता है, स्टर्नम में जो ब्रेस्ट बोन में बोला जाता है, स्टर्नम में अटैच होता है। और इस उसका जो और भी बहुत सारा कील, एक एक्सटेंडेड पार्ट रहता है जिसे कील बोलते हैं, तो उसमें भी ये क्या स्टर्नम या कील में फ्लाइट मसल सब क्या होता है, अटैच होते हैं। ओके, हॉर्स एंड काउ हैव टीथ दैट हैव शॉर्ट रूट बट हाई क्राउन प्रोवाइड एक्स्ट्रा सरफेस एरिया फॉर द वेयर एंड टीयर नेसेसरी फॉर फाइब्रस डाइट। तो क्राउन उसका जानते हैं डाइट, अगर दांत देखे होंगे इस तरह से दांत रहता है, तो दांत के ऊपर वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्राउन रहता है। ये थोड़ी ज्यादा लंबा होता है, बड़ा होता है, क्योंकि फाइब्रस चीजें वो खाते हैं। तो उसे कौन सा चीज बोला जाता है, उसे उसे हम बोलते हैं हाइसोडोंट, क्या बोलते हैं, हाइसोडोंट, हाइसोडोंट बोलते हैं। और जिसका लो क्राउन रहता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रैकियोडोंट, जिसमें कार्निवोर्स में पाया जाता है ना, कार्निवोर्स, उसमें सारे दांत क्या रहता है, उसका क्राउन छोटा होता है, एक्सेप्ट कैनियन का, कैनियन थोड़ी लंबा रहता है। और मोनोफाइडोंट क्या होता है, जिसका जिंदगी में एक बार ही टीथ आता है उसे मोनोफाइडोंट, और जिसका बार बार आता है, मतलब बार बार टीथ क्या होता है, फिर से उगता है या बोल सकते हैं आता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीफाइडोंट। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा हाइसोडोंट। स्पेसीज व्हिच हैव डाइवर्ज आफ्टर द ओरिजिन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर गिविंग राइट टू न्यू स्पेसीज एडेप्ट इन ए न्यू हैबिटेट इज कॉल्ड द, हम जानते हैं क्या उसे क्या बोलते हैं, उसे तो हम जनरली जानते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि वो कॉमन ओरिजिन से था अब दूसरे जगह पर चला गया है, तो उसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अगर डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन है आके एक जगह पर क्या कर रहे हैं, काम समान काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसका स्पेसिस का ओरिजिन अलग है, उसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन उसे बोलते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहां पर वो हो जाएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। व्हिच ऑर्डर फ्रॉम द सरनिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो 18 का मुझे थोड़ी डाउट है, सी काउ इज सरनिया ऑर्डर में कौन आ जाता है, सी काउ आता है, तो सी काउ आता है। तो इसके बारे में डिटेल उतना क्वेश्चन देखा नहीं, तो इसके बारे में थोड़ी देख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, कभी कभी कभार हम लोग सर्वज्ञता नहीं होते हैं, कुछ चीजें हमें भी डाउट होता है, तो ये चीजें थोड़ी 18 नंबर को देख लीजिएगा। ओनली स्नेक टू मेक नेस्ट इन द लेज एग, कौन रहता है, किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा रहता है जो क्या रहता है, नेस्ट बनाता है और क्या करता है, अंडा देता है। ओके, लार्वा और लाम्प्रे, तो लाम्प्रे को, लार्वा को क्या बोलते हैं, एमोसिट लार्वा।
हम जानते हैं एमोसिड लार्वा बोलते हैं, और ट्रकोकार्प पर लार्वा किसमें पाया जाता है, एनिलीड्स, एनिलीड्स एंड मॉलुस्क, क्या रहता है, मॉलुस्क में पाया जाता है, क्या रहता है, टेडपोल, टेडपोल एम्फीबिया में पाया जाता है, और इससे ब्रेक रहता है कि किसमें पाया जाता है, हार्डमानिया में, हार्डमानिया ये याद रखना, हार्डमानिया में भी पाया जाता है। ओके, ट्रोनोडिया लार्वा किसमें पाया जाता है, हमने बताया था हेमिकोडाटा बालानोग्लोसस में, हेमिकोडाटा या बालानोग्लोसस में पाया जाता है ट्रोनोडिया लार्वा। ओके, द कलेक्टिव इंडिविजुअल व्हिच बिलोंग टू द सेम स्पेसिस व्हेन लिव टुगेदर, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑलरेडी क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, क्योंकि सेम पॉपुलेशन है, एक जगह पर रह रहे हैं, तो क्या है, सेम स्पेसिस एक जगह पर रह रहे हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, तो उसे भी क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। अगर डिफरेंट कम्युनिटी एक जगह पर रह रहा है, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, डिफरेंट स्पेसिस एक जगह पर रह रहे हैं, तो उसे कम्युनिटी बोलेंगे। और केस्ट एंड स्पेसिस क्या रहता है, स्पेशल स्पेसिस रहता है जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो डिस्ट्रॉय होता है, बहुत सारा स्पेसिस उसके साथ क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसे बोलते हैं केस्ट ऑन स्पेसिस बोलते हैं। इसी तरह समुद्र में क्या रहता है, स्टारफिश को भी क्या होता है, बोला जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द सेपरेशन ऑफ टू डिफरेंट कम्युनिटी, तो टू डिफरेंट कम्युनिटी क्या रहता है, डिफरेंट कम्युनिटी का जो सेपरेट करते हैं, ये इको टोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इको टोन बोलते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाइवर्सिटी इंडेक्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो डाइवर्सिटी इंडेक्स, तो उसे बोलते हैं सिम्पसन इंडेक्स, तो सिम्पसन इंडेक्स को डाइवर्सिटी इंडेक्स माना जाता है, वो 0 to 1 तक में इसे डाइवर्सिटी किया जाता है, 0 मतलब इनफाइनाइट डाइवर्सिटी, और 1 मतलब क्या होता है, 1 मतलब होता है नो डाइवर्सिटी, इसमें नो डाइवर्सिटी इसमें होता है, तो ये सिम्पसन इंडेक्स रहता है। और ये तीनों जानते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ का पढ़े होगे, तो अपराइट इन्वर्टेड और बेल शेप उसको भी इसे देख लेना है, पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या किस तरह से रहता है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हम जानते हैं मीथेन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोनों, तो बी एंड क्या हो जाएगा, ए एंड सी हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल जिम कॉर्बेट जो बनाया था 1936 में, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में है। तो आज हम क्या किए, 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाद में हम जाएंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और उसमें जो टेक्निकल चीजें होता है, और मेरे भी बोल सकता हूँ मास्टरी थोड़ी बहुत उसी में ही है, तो उसमें थोड़ी बहुत उस सारी चीजें क्वेश्चन को देखेंगे और टेक्निक भी देखेंगे, एग्रो जेल पूछ रहा है या जेल इलेक्ट्रोपोलोसिस में, और क्या क्या पीसीआर में से पूछ रहा है, जिसने भी टेक्निक है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन हमें सब जो करेंगे वो नहीं करना है, जो लोग कर नहीं पाएंगे उसे अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तब जाके ही क्या होगा, सिलेक्शन आता है। ओके।